मैं तो मैं डैड बनूंगा और तुम मॉम बनो। ये हमारे बच्चे की दुनिया है, इसीलिए यहां नो टीयर्स। आपको कैसे पता कि हमारी बेटी होगी? मुझे पता है, और ये भी पता है कि मेरी वो डॉल बिल्कुल तुम्हारे जैसी होगी। तुम यहां हो और मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रहा था। प्रातः अक्षय, हमें जाने दीजिए। मॉम की बातों से परेशान हूं। नहीं, उस बात से परेशान नहीं हम, बस इस बात से परेशान है कि जब मामी जी ने डीएनए की बात कही तो जवाब में आपने उनसे कुछ क्यों नहीं कहा? अक्षय हमारे लिए तो सिर्फ आप हैं जिनसे हम उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन प्रार्थना, मैंने माम की बातों का सपोर्ट भी तो नहीं किया। सपोर्ट नहीं किया तो उनकी बात का विरोध भी तो नहीं किया आपने? गलत बात को गलत भी तो नहीं कहा आपने? प्रार्थना, इस वक्त मेरे सोचने की ताकत खत्म हो चुकी है। प्रार्थना, सही क्या है, गलत क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिछले कई दिनों से इस बच्चे के बारे में इतनी बातें हो चुकी हैं कि मैं किसी नतीजे पर पहुंचने के काबिल ही नहीं रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे वक्त ने भ्रम की धूल से मेरे दिमाग को धुंधला कर दिया। लेकिन हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, हम सब कुछ समझ सकते हैं अक्षय, सब कुछ। इसमें फैसला आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आपके सामने एक पत्नी नहीं बल्कि एक माँ, एक ऐसी माँ जिसके बच्चे के वजूद का सवाल है। अक्षय, हम अपने बच्चे के नजरों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते अक्षय, इसलिए अब फैसला आपको करना है अक्षय। ये मुझे क्या हो गया है? जब एक आदमी बाप बनता है वो पल उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन मेरे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है भगवान? ये इम्तिहान, ये परीक्षा प्रार्थना के अकेले की नहीं, मेरी भी।